बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्ट ऑफ आवर टुडेज लेसन, यू मस्ट हैव दीज थ्री बुक्स, टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7, रिसोर्स पैक एंड समर पैक। हम मेन कंटेंट जो है वो टेक्स्ट बुक में से यूज़ करेंगे। रिसोर्स पैक जो है वो टीचर्स और पेरेंट्स के गाइडेंस के लिए है, ये भी आपके पास होना चाहिए। ये कैंटर पब्लिशर्स की वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आज के लेक्चर से रेलेवेंट है। चलें तो बुक की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 सेट्स पे है। हमने इससे पहले 1.1 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। 1.2 टॉपिक है, 1.3 वेन डायग्राम के बारे में है। चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें जो SLOs डिस्कस करेंगे हम लोग वो ये हैं। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमारा फर्स्ट SLO जो है, हमने देखना है डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स को डिफाइन करेंगे। डिफाइन एंड आइडेंटिफाई डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। सेकंड SLO है डिफाइन अ यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। चलिए तो बुक की तरफ आए। बुक का पेज नंबर 12 ओपन करें। डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। यहां पर डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट डिस्कस करने से पहले चलें बोर्ड की तरफ आए, वहां पर हम लोग डिटेल से डिस्कशन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट्स वाला टॉपिक बुक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो SLOs हैं ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट्स ये डिस्कस कर रहे थे, और यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, ओवरलैपिंग सेट कौन से होते हैं, चलिए जरा देखते हैं। डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, यहां पर देखें कि सेट के बारे में तो आपको पता है सेट क्या होता है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब टू ऐसे सेट्स होंगे जिनमें जिनका कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा, जो के सारे डिफरेंट होंगे। देखें जरा कि डिसजॉइंट का मतलब होता है कि एक दूसरे से सेपरेट होना या अलहदा होना। देखें जरा, हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। एक सेट आपके पास एक्स है, जिसमें हम देखते हैं 3, 5, 7, 8, ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। सिमिलरली सेट वाई है, उसमें देखें 9, 10, 11, 12, ये एलिमेंट्स हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं इसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। यहां पर देखें कि अगर हम लोग इनकी इंटरसेक्शन लेते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये देखें जरा 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपके पास एक एम्प्टी सेट आता है। अगर तो ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो तो वो डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कोई एलिमेंट भी सेम ना हो। अब देखें, आपने जो चीज याद रखनी है, अगर किसी सेट की, किसी भी टू सेट्स और टू आर मोर सेट्स की हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, इंटरसेक्शन का आपको पता है इंटरसेक्शन में हमने सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेने होते हैं।
तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट हैं और डिफरेंट हैं। देयर इज नो सेम एलिमेंट इन डिसजॉइंट सेट्स। आर सिंपली आपने जो चीज याद रखनी है, अगर आपके पास एक्स एंड वाई टू सेट्स हैं, एक्स एंड इफ एक्स एंड वाई बी टू सेट्स, देन एक्स इंटरसेक्शन वाई विल बी एम्प्टी। तो ये चीज आपके पास हो जाए, अगर ये कंडीशन फुलफिल कर जाते हैं कोई से भी टू और मोर सेट्स, तो वो सेट्स क्या होते हैं, वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। इसी तरह ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग कौन से सेट्स होते हैं? ओवरलैपिंग ऐसे सेट्स होते हैं जिनके एटलीस्ट जिनमें से वन एलिमेंट कॉमन हो। वन एलिमेंट सेम हो जाएगा तो इसका वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है वो आपके सेट जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। आपने यहां पर क्या चीज देखनी है, ओवरलैपिंग सेट्स में अगर आपके पास एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको भी करते हैं, ये तो न्यूमरल से मैंने एग्जाम्पल ली थी एक्स और वाई की, इसी तरह आप अपनी क्लास में से भी ले सकते हैं क्लासेस की। बिल्कुल आप देखें कि क्लास सिक्स है और क्लास सेवन है, क्लास सिक्स के और क्लास सेवन में जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो दोनों की दोनों क्लासेस जो होती हैं वो डिसजॉइंट होती हैं। सिक्स क्लास भी सिक्स और सेवन दोनों में डिफरेंट स्टूडेंट्स होंगे, उनकी शेप्स उनके रोल नंबर्स हर स्टूडेंट्स के वो डिफरेंट होंगे, इसका मतलब है कि वो सारे के दोनों क्लासेस जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स को बिलोंग करती हैं। अब यहां पर देखें कि आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जिस तरह यहां पर है एक्स है, एक्स सेट लेते हैं कोई भी, इसमें वन टू थ्री एंड अप टू टेन ले लेते हैं, और यहां पर वाई सेट लेते हैं उसमें देखें टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, ये एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर हमने क्या चीज देखनी है, हमने यहां पर भी इंटरसेक्शन लेनी है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। यहां पर इनमें कौन सा एलिमेंट कॉमन आता है दोनों सेट्स के अंदर, 10। अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ये आपके पास 10 नंबर आता है, इसका मतलब वन एलिमेंट इसमें कॉमन है, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इसी सेट को मैं 9 से स्टार्ट करूं तो मेरे पास 9 एंड 10 आ जाएंगे, विच इज दिस इज नॉट इक्वल टू सो। X इंटरसेक्शन Y इज नॉट इक्वल टू 5। ये कंडीशन जो है ये आपने याद रखनी है ओवरलैपिंग सेट्स के लिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी कॉमन बिटवीन टू आर मोर सेट्स। At least one element must be same। आपके पास at least one element जो है वो same होना चाहिए overlapping sets के लिए, जबकि disjoint में हमने क्या लिखा था कि no element सेम, कोई एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। आपने जो मेन चीज याद रखनी है कि जो अगर हम लोग डिसजॉइंट सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं वो एम्प्टी सेट आएगा, और हम लोग ओवरलैपिंग सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं वो एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट जैसे ही आ गया तो इसका मतलब है वो आपके पास ओवरलैप डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओवरलैपिंग नहीं है। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल सेट
और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है उसकी एग्जांपल देता हूं मैं इस तरह के, आप अपने स्कूल को कंसीडर कर लें और उसके अंदर जो है डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनको हम लोग सबसेट्स भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें वो सारे के सारे सेट इंक्लूडेड होते हैं या एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। देखें जरा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब आपने एक चीज नोट करनी है, यूनिवर्सल सेट के लिए मैंने आपको बताया है कि ऐसा सेट होता है जिसमें वो सारे एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं जो के अंडर कंसिडरेशन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल है, उस स्कूल के अंदर कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग हैं। वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल में भी बिलोंग कर रहे हैं और वो डिफरेंट क्लासेस में भी बिलोंग कर रहे हैं। देखें जरा, और नॉर्मली इस सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल सेट इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि जो हम लोग अपने पार्टिकुलर क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं सेट्स, उन सब में वो एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। देखें जरा, यहां पर इसको हम लोग यू से डिनोट किया जाता है। मेरे पास एक सेट है, फॉर एग्जाम्पल एन इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और मैं एक सेट लेता हूं ये 3, 4, 5, बी सेट लेता हूं 8, 9, 10। अब आपने एक चीज चेक करनी है कि ये दोनों जो सेट्स गिवन है, ये दोनों सेट्स वो इस सेट में इंक्लूडेड है, और जो एन है आपके पास वो यू है। ये ऐसा लार्ज सेट होता है जिसमें गिवन सेट्स के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। मींस के ये एलिमेंट्स जो सारे के सारे अंडर कंसिडरेशन है और ये सारे इस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। आपने ये चीज इसमें नोट करनी है। स्कूल वाली एग्जांपल में बिल्कुल वैसे ही था, ये आपके पास लार्ज, आपके पास स्कूल है, इसमें डिफरेंट क्लासेज हैं, ये स्कूल है, ये क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। अब ये जो लार्ज स्कूल है इसके अंदर जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, और वो जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के अंदर भी डेफिनेटली लाई करते हैं। इसका मतलब है जो स्कूल है, लार्ज स्कूल, वो आपका यूनिवर्सल सेट है, और जो स्टूडेंट्स हैं सारे वो उनके एलिमेंट्स हैं, वो इन सेट्स के अंदर भी हैं सेपरेट, जो क्लासेज हैं और उस स्कूल के अंदर भी है, लाइक कर रहे हैं। अब आ जाए कॉम्प्लीमेंट की तरफ। कॉम्प्लीमेंट का ऑफ अ सेट फाइंड करने के लिए आपको डिफरेंस आना चाहिए बिटवीन टू सेट्स का, कि डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। हमने डिफरेंट फाइंड करना सीखा था, वो कैसे, सपोज आपके पास ए सेट गिवन है और दूसरा सेट बी है, हम लोग जब डिफरेंस फाइंड करते हैं उसके लिए यह चीज यूज करते हैं, ए माइनस बी आर ए स्लैश बी। इसका मतलब यह है कि डिफरेंस के लिए हम लोग शो करते हैं डिफरेंस, इसके वो एलिमेंट राइट करने होते हैं जो कि बी में नहीं होते। सपोज आपके पास ये ए और बी टू सेट्स हैं, ये एग्जांपल जो ऊपर लिखी हुई है, इन्हीं को ले लेते हैं, ये 3, 4, 5 है और ये
एट नाइन टेन है, ये टू सेट्स हैं। मतलब क्या है कि ए के आपने वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि आपके पास है बी में नहीं है। कौन से हैं देखें, ए माइनस बी इक्वल टू थ्री फोर फाइव माइनस एट नाइन टेन। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, थ्री फोर फाइव ये राइट कर देते हैं। अब जब आपके पास ये चीज राइट कर दे, इसका मतलब ए के वो एलिमेंट ले लिए जो बी में नहीं है। ए का कोई भी एलिमेंट बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए के सारे एलिमेंट यहां पर हमने राइट कर दिए। इसी तरह जो कॉम्प्लीमेंट है वो आपने यू सेट, यूनिवर्सल सेट के आपने वो एलिमेंट लेने होते हैं जो के पार्टिकुलर गिवन सेट में नहीं होते। अब मैं अगर इस चीज को लिखना चाहूं कि ए सेट है और यू मेरे पास यूनिवर्सल सेट ये है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए के ऊपर डैश जो सुपरस्क्रिप्ट है वहां पर राइट कर देते हैं, या सुपरस्क्रिप्ट में ए सी राइट कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए। ये इक्वल होता है ए यू, यूनिवर्सल से इसको माइनस कर देना होता है, यू माइनस ए। तो अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब यूनिवर्सल सेट आपके पास कौन सा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने अब कौन से एलिमेंट लेने हैं इसके यूनिवर्सल सेट के, इन एलिमेंट्स के अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लेने हैं। अब यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर्स का किस तरह शो होता है, अगर हम लोग टेबुलर फॉर्म में राइट करें, वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सो ऑन, हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं। अब जब हम लोग यहां पर लेके आते हैं, इसके बाद आपने एक चीज चेक करनी है, सब्ट्रैक्ट कौन से करने हैं ये एलिमेंट। देखिए आपने क्या किया, वन टू थ्री फोर फाइव लीव कर दें, सिक्स सेवन एट, अगर मैं यहां पर लिख दूं लेस देन 15 एंड देन यहां पर क्या है 14 आ जाएगा। अब इसको अप टू मैं 14 तक राइट कर देता हूं, तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। यहां पर मैंने क्या किया, कंडीशन लगा दी यूनिवर्सल सेट के लिए कि नंबर्स जो है लेस देन 15 होने चाहिए। यहां पर नेचुरल नंबर्स है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, वन से स्टार्ट करेंगे और 15 तक जाएंगे, 15 से लेस 14 तक जाएंगे। अब यहां पर हमने टेबुलर फॉर्म में राइट किया, टेबुलर फॉर्म में राइट करने के बाद हम लोगों ने जो यू में से ए को माइनस कर दिया, जब ए को माइनस किया तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। इसी तरह आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, और डिफरेंट एग्जाम्पल जो आपकी बुक के ऊपर है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बुक की तरफ जाते हैं और मजीद स्टडी करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो डिस्जॉइंट सेट होता है, डिस्जॉइंट का मतलब होता है सेपरेट होना किसी भी चीज से। तो अगर आपके पास टू सेट्स कोई से भी गिवन हो, उनमें से उन दोनों सेट के दरमियान में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेट्स वो डिस्जॉइंट सेट्स हैं। आप एग्जांपल देखें, यहां पर आपके पास एग्जांपल है ए सेट है, इसमें 4, 5, 6 हैं, बी जो है 7, 8, 9 है। इन दोनों में कोई सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि ये दो ए जो है वो डिस्जॉइंट है बी से, सिमिलरली बी जो है वो डिस्जॉइंट है ए से। और जब हम लोग इनका इंटरसेक्शन लेंगे वो एम्प्टी सेट आएगा, या ऐसे दो सेट्स जिनका इंटरसेक्शन लेने से कोई एम्प्टी सेट आए आंसर में, उस सेट को हम लोग डिस्जॉइंट सेट कहते हैं। अब आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है, टू सेट आर डिस्जॉइंट इफ देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, इनके दरमियान में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। यहां पर रूल आपने ये याद रखना है कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया है तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट आ जाएगा किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लेने से, तो वो जो सेट्स होंगे वो डिस्जॉइंट सेट्स होंगे। अब आए जरा ओवरलैपिंग सेट्स की तरफ।
ओवरलैपिंग सेट के बारे में मैंने बताया था कि किसी भी टू आर मोर देन टू सेट्स में अगर कोई एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन आ जाता है तो वो सेट्स जो है वो आपस में ओवरलैपिंग होंगे। अब एग्जांपल देखें, सेट ए है 1, 3, 5, 7, 9, बी सेट है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इन दोनों, इनका आपने इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर आपके पास एम्प्टी सेट नहीं आता तो वो दोनों जो सेट्स होंगे वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। आपने ये चीज याद रखनी है, ये फॉर डिसजॉइंट सेट्स इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, फॉर जॉइंट सेट्स एंड फॉर ओवरलैपिंग। लैपिंग सेट्स, ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पर ए और बी का जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें कोई ना कोई ऐसी चीज है जो कॉमन आ जाएगी। देखें जरा कौन सी चीज कॉमन आती है। फाइव सेवन, यहां पर थ्री कॉमन है, फाइव कॉमन है, सेवन कॉमन है, थ्री फाइव सेवन। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरसेक्शन जो है, ये ए और बी का इंटरसेक्शन मैंने लिया तो मेरे पास 3, 5, 7 ये कॉमन आया, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है। कंडीशन क्या थी, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बट यहां पर थ्री एलिमेंट्स कॉमन है, सो दीज टू सेट्स ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। अब आपने एग्जाम्पल नंबर 12 करनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट एंड विच आर ओवरलैपिंग। सिंपली आपने चेक करना है, पार्ट वन में देखें, ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5, बी सेट है 4, 5, 6, 7, 8, इनमें टू एलिमेंट्स कॉमन है, 4 और 5 कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग है। सिमिलरली आपने पार्ट टू चेक करना है, एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। आपने क्या करना है, सी इंटरसेक्शन डी करें तो ये 5 के इक्वल है। अब यहां पर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब है ये ओवरलैपिंग है, और ये सी इंटरसेक्शन डी जो है वो एम्प्टी सेट है, इसका मतलब है ये आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। सिमिलरली अब आप देखें पार्ट थ्री में, ई इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के अंदर आपके पास ऑड नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स का आपको पता है, तो इसका मतलब है ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। मींस के जो ऑड नंबर्स हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स में लाई करते हैं। अब सिमिलरली पार्ट आपने फोर देखना है, जी इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब देखें एच में कौन कौन से इवन नंबर्स हैं, ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, सेट ऑफ इवन नंबर्स, और ये डेफिनेटली ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, जी एंड एच आर ओवरलैपिंग। अब आपने यहां से भी चेक कर सकते हैं कि जी इंटरसेक्शन एच इज नॉट 5, सो दीज आर ओवरलैपिंग। सिमिलरली ई एंड एफ इंटरसेक्शन ई एफ नॉट इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, यहां पर यूनिवर्स हमने देखना है, यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में मैंने अभी आपको जब हम लोग बोर्ड पे डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त भी बताया था कि ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें जो अंडर कंसीडरेशन सेट्स होते हैं उनके सारे एलिमेंट एक सेट में लाए करते हैं, उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सपोज आपके पास आपका स्कूल है, उस स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेज हैं, जिस तरह ये आपके पास पूरा स्कूल है आपका, इस स्कूल में डिफरेंट क्लासेज हैं, ये सारी की सारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लास तक इस स्कूल के अंदर क्लासेज हैं। अब देखना है आपने इन क्लासेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस स्कूल में लाइक करते हैं। मीन्स के ये जो बड़ा सेट है, ये जो स्कूल है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ,
और बाकी जो सारे छोटे छोटे सेट हैं वो क्लासेज हैं, क्लास वन है उसको ए से रिप्रेजेंट कर दें, क्लास वन, वन के स्टूडेंट जितने भी हैं, सो ऑन। एंड इसी तरह बी से रिप्रेजेंट कर दें क्लास टू को, सी से रिप्रेजेंट, और वो जो सारी के सारी क्लासेज हैं वो इस सेट के अंदर लाइक कर रही हैं, और उसके उन क्लासेज के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इस स्कूल के अंदर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें अंडर कंसिडरेशन सारे के सारे सेट हों, जिन सेट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वो क्लासेस को कंसीडर कर रहे हैं, वो सारी की सारी स्कूल में लाए करती हैं। इट मींस कि जो स्कूल है वो आपका एक यूनिवर्सल सेट है। अब आ जाएं आप अपनी बुक की एग्जांपल की तरफ, देखें जरा। यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो अब यहां पर देखें, अदर सेट इन दैट फ्रेमवर्क कंपेरिज सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, मीन्स डेफिनेटली ये जो सारे हम लोगों ने क्लासेस कंसिडर की थी ये सारी के सारी स्कूल की सबसेट्स हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं हर क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली स्कूल के अंदर भी प्रेजेंट हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, एग्जाम्पल देखें। ए सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, बी सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेवेंथ क्लास, जिस तरह स्कूल वाली एग्जाम्पल मैंने अभी आपको वो दिखाई है यहां पर, ये देखें। नेक्स्ट सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, सारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अब क्लास फाइव के स्टूडेंट्स और क्लास सेवन के स्टूडेंट्स टू सेट्स में है, सी जो है ये आपके पास है यूनिवर्सल होगा, और ये सुपर सेट भी होता है ए और बी का। अब यहां पर देखें, ए एंड बी आर द सबसेट्स ऑफ सेट सी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ए सेट ऑफ पेट एनिमल्स, बी सेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सी जो है वो सेट ऑफ एनिमल्स, हियर सी इज यूनिवर्सल सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी लाइज बिलोंग्स टू द सेट सी। अब नेक्स्ट देखें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। डिफरेंस आपने फाइंड करना सीखा है, डिफरेंस किस तरह फाइंड करते हैं ये काफी आपने एग्जांपल्स भी की हुई हैं, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि किसी भी गिवन सेट का आप डिफरेंस ले लें यूनिवर्सल सेट के साथ। सपोज आप यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके साथ डिफरेंस ले लें किसी भी गिवन सेट का, सेट ए बी और सी का, जो आंसर आएगा उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहेंगे। तो उसके लिए हम लोग ए डैश या ए सी से भी डिनोट करते हैं। तो अब यहां पर एग्जांपल की तरफ आए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ यू एक्सेप्ट ए, मीन्स के यू में से ए माइनस कर देंगे तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट बन जाता है और उसको ए डैश या ए सी से डिनोट किया जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप देखें इस तरह आपने डिनोट करना है, ए डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स के ए जो कॉम्प्लीमेंट है वो इसके इक्वल है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इस तरह राइट करना है। अब आ जाए एग्जांपल नंबर 13 की तरफ, इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 7 9 11 एंड ए इज इक्वल टू 4 5 7 देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। आपको मैंने मेथड बताया है कि यू में से ए को सबट्रैक्ट कर देना है, मींस के यू के वो सारे एलिमेंट राइट कर देने हैं जो ए में नहीं है। अब देखें जरा, ये सेट ए लिखा, यू लिखा, फिर ए लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, यू माइनस ए किया तो आपके पास 1 2 3 9 11, हमने डिस्कार्ड कौन कौन से करने हैं, 4 कर देना है, 5 कर देना है और 7 कर देना है, बाकी जो बचते हैं वो राइट कर देने हैं, 1 2 3 9 11 That is your complement. अब आ जाए एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ।
prove that A complement A dash equal to phi and A union A dash equal to U if this one. आपने क्या करना है, आपने पहले यह प्रूफ करना है तो इसकी लेफ्ट साइड ले लें, A आपके पास किसके इक्वल है. फर्स्ट वी विल फाइंड A डैश, A कॉम्प्लीमेंट. A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये A, U में से A माइनस करेंगे. A कॉम्प्लीमेंट A CF आया. नाउ वी प्रूव दैट A इंटरसेक्ट, दोनों की इंटरसेक्शन लो A के साथ. जब A के साथ इसकी इंटरसेक्शन ली, A की वैल्यू क्या है देखिए जरा, BDE. तो इसके साथ आपने इंटरसेक्शन ली तो ये फाई आ गया, तो ये प्रूव हो गया हमारे पास. सिमिलरली आपने नेक्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है. स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज की तरफ आए. अब आपकी बुक का पेज नंबर है 16 और 17, एक्सरसाइज 1C. ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने के बाद आपने ये काम अपने टीचर को चेक करवाना है. देखें जरा, फाइंड वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर ओवरलैपिंग आर डिसजॉइंट. आपने सिंपली क्वेश्चन वन में यह बताना है कि ये सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है. That's it. Overlapping का भी आपको पता है, disjoint का भी पता है. Overlapping का मतलब at least one element common होना चाहिए, disjoint का मतलब कोई भी element common नहीं होना चाहिए. अब यहां पर देखें 11, 22, 33, 44, 16, 26, 36, 46, कोई भी element common नहीं है, तो इसका मतलब है disjoint sets हैं दोनों. Means P intersection Q जो है वो इक्वल टू फाइव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिसजॉइंट है. अगर इक्वल टू फाइव ना हो तो वो ओवरलैपिंग होते हैं. तो आपने इसी तरह ये सेट बताने हैं कि ये कौन से सेट हैं, इनकी कैटेगरी क्या है. क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आए. इफ ए इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, फाइंड ए माइनस बी. आपके पास कौन से सेट्स हैं, सेट ऑफ वॉवल्स हैं एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्स जो हैं वो ए टू जी हैं. आपने माइनस कौन से करने हैं, आपने ए के वो एलिमेंट राइट करने हैं जो कि बी में नहीं है. देन यू नीड टू फाइंड ए माइनस बी करें. आपको पता है आपने किस तरह करना है, मैंने अभी आपको बताया है. क्वेश्चन नंबर थ्री. इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड बी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, नेचुरल में से प्राइम माइनस कर दें. मींस के ए जो है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है. स्पेसिफाई द यूनिवर्सल सेट एंड फाइंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. आपने इनमें से देखना है कि आइडेंटिफाई करना है ए और बी में से कौन सा जो है वो यूनिवर्सल सेट बनता है, और फिर आपने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. स्टूडेंट्स अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ. इफ यू इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स एंड पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी. होल नंबर्स का पता है आपको, प्राइम नंबर्स का भी पता है, तो आप यू माइनस पी फाइंड कर दें तो पी कॉम्प्लीमेंट आपके पास बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर फाइव देखें. इफ यू इज इक्वल टू दिस वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 15, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 is equal to 1, 2, 4, 6, 8, 10, B equal to 2, 4, 6, 8, 10. ये है, ये A है. C जो है आपके पास ये है. Then find A complement, B complement and C complement. Universal set आपके पास है, given है. Students अब आ जाएं summer pack की तरफ. इसका पेज नंबर 8 है. यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है. आपने डिफाइन करना है डिसजॉइंट सेट क्या होता है और अपनी तरफ से एक एग्जांपल देनी है. यह काम आपने समर पैक के ऊपर ही करना है कंप्लीट. देन आपने पार्ट 2 कंप्लीट करना है, ओवरलैपिंग सेट को डिफाइन करना है और यहां पर उसकी एग्जांपल भी देनी है अपनी तरफ से. अब आ जाए नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज 9 की तरफ. देखें एक्टिविटी है. गिवन आर थ्री सेट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डिफरेंट सीजन्स, एक्स इज इक्वल टू दिस वन, वाई इज इक्वल टू दिस वन, जी इज इक्वल टू दिस वन. ग्रेप फ्रूट है, पोमीग्रंटी है, ऑरेंजेस हैं, पियर्स हैं, एंड देन ये है आपके पास, फिर वाटरमेलन है, ये कुछ
फ्रूट्स हैं और ये वाले हैं, इनको आपने चेक करना है और उसके बाद इनके आंसर्स देने हैं कि कौन सा जो है वो ठीक है, ऑप्शंस जो हैं वो क्लिक करनी है, डिसजॉइंट कौन से हैं और ओवरलैपिंग कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर वन की तरफ आए नेक्स्ट, वेदर डिसाइड वेदर गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट आर ओवरलैपिंग, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें आपने चेक करना है कि क्या चीज है, आंसर लिखना है। सिमिलरली 2-3 पार्ट भी आपने कंप्लीट करने हैं। अब देखें यूनिवर्सल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्वेश्चन नंबर वन देखें, यू के लिए फर्स्ट 10 होल नंबर्स हैं, ए के लिए ये है, बी के लिए ये है, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपने फाइंड करना है, आपको फाइंड करना आता है। सिमिलरली पार्ट टू भी आपने कंप्लीट करना है। एंड देन एक्टिविटी नंबर वन, टेक योर क्लास एज यूनिवर्सल सेट विद 50 एलिमेंट्स, इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 20 गर्ल्स एंड बी इज इक्वल टू 30 बॉयज, फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यू नीड टू फाइंड इट, कंप्लीट इट ऑन योर समर पैक। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलिए रिवाइज करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एसएलओ था वो ये था, हमने डिफाइन किया और फिर डिसजॉइंट सेट को और ओवरलैपिंग सेट को आइडेंटिफाई करना भी सीखा और इनकी डेफिनेशंस भी दी। फिर हमने यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है फाइंड करना सीखा और इनको डिफाइन किया। स्टूडेंट्स अगर किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस एट mathematics@kentuppublisher.com। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।